स्टूडेंट्स, आज हम रिफ्रेक्शन यानी अपवर्तन की प्रक्रिया को समझेंगे। देखिए, यहाँ हमारे पास दो मीडियम हैं। वैसे तो लाइट सीधी रेखा में ट्रेवल करती है, लेकिन यदि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो क्या होगा? तो ये अपने मार्ग से डिफ्लेक्ट या मुड़ जाएगी, बेंड हो जाएगी, जैसा कि ये यहां एयर से वॉटर में आने पर हुआ है। आप जानते हैं ये कैसे हुआ और इसे क्या कहते हैं? देखिए, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड में कुछ चेंज आता है, परिवर्तन आता है, जिसके कारण ये बेंड हो जाती है यानी कि मुड़ जाती है। इस प्रक्रिया को रिफ्रेक्शन या अपवर्तन कहते हैं। या आप जो डॉटेड लाइंस देख रहे हैं, ये अभिलंब या नॉर्मल है। सभी एंगल्स इसी के सापेक्ष मेजर किए जाते हैं। एयर से नॉर्मल की ओर आने वाली लाइट नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे इंसिडेंट एंगल या आपतित कोण कहते हैं, जो कि अभी लगभग 45 डिग्री है। और पानी में नॉर्मल से दूर जाने वाली लाइट नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है उसे रिफ्रैक्शन एंगल या अपवर्तन कोण कहते हैं, जिसका मान अभी लगभग 30 डिग्री है। चलिए अब इंसिडेंट एंगल को चेंज करके देखते हैं, आपतित कोण को चेंज करते हैं कि क्या होता है, देखते हैं। आप देख सकते हैं कि इंसिडेंट एंगल कम करने पर रेज कम डिफ्लेक्ट होती हैं और 0 डिग्री पर ये बिल्कुल सीधी रेखा में गुजर जाती है। जैसे ही इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते हैं तो डिफ्लेक्शन का मान भी बढ़ने लगता है। यहां देख सकते हैं कि जैसे ही रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करती हैं तो उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी होता है। अगर ऐसा है तो इस प्रोसेस के कारण रिफ्रेक्टिव रेज की इंटेंसिटी में भी कुछ चेंज तो आना चाहिए। तो चलिए मेजर करके देखते हैं। देखिए, इंसिडेंट रेज की इंटेंसिटी 100% है, जबकि रिफ्रेक्टिव रेज की इंटेंसिटी 94.71% ही है। यह इंटेंसिटी में कमी क्यों आई? क्योंकि उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। अगर आप यहां गौर करें तो एक बात और समझ सकते हैं। इस समय रेज, लाइट की रेज, एक विरल या रेयर मीडियम से सघन या डेंस मीडियम में जा रही है। क्या होगा यदि ये डेंस मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जाएं? आप देख सकते हैं कि इस समय रिफ्रेक्शन एंगल बहुत अधिक हो जाता है। चलिए इंसिडेंट एंगल को चेंज करके देखते हैं कि क्या होता है। एंगल बढ़ाने पर रिफ्लेक्टिव एंगल में भी वृद्धि होती है और बढ़ाते बढ़ाते एक स्थिति ऐसी आ जाती है, कंडीशन ऐसी आ जाती है कि जब कोई लाइट रिफ्रेक्ट नहीं होती है और संपूर्ण लाइट, पूरी की पूरी लाइट सेम मीडियम में ही रिफ्लेक्ट होने लगती है, जैसे कि करीब 50 डिग्री इंसिडेंट एंगल पर हम देख सकते हैं। इससे आगे एंगल बढ़ाने पर इंसिडेंट लाइट केवल रिफ्लेक्ट होगी। आप जानते हैं इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी ऐसी स्थिति जब कोई लाइट बिना किसी रिफ्रेक्शन के उसी माध्यम में पूरी तरह रिफ्लेक्ट हो जाती है। और जिस एंगल पर यह रिफ्लेक्शन हमें प्राप्त होता है उसे क्रिटिकल एंगल कहते हैं, जो कि यहां 50 डिग्री है, 50 डिग्रीज। आपने संचार क्षेत्र में, कम्युनिकेशन में ऑप्टिकल फाइबर का नाम सुना होगा। ये ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है और इसी की सहायता से लाइट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर किया जाता है।